हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखने वाला है हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल, दैट इज एन एड्स पाथ एट्रीब्यूट। हाउ टू यूज एन एड्स पाथ एट्रीब्यूट। ओके, एएस स्टैंड फॉर एटोनोमस सिस्टम पाथ एट्रीब्यूट। उसको हम किस तरह से यूज करेंगे, तो उसके लिए बेसिक हमें एक टोपोलॉजी ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो ले स्टार्ट करते हैं। फॉर एन टोपोलॉजी, फर्स्ट वी ओपन अ GNS3 टूल प्रोजेक्ट। देन बेसिकली जो हमें टेक्स्ट कनेक्शन करने पड़ेंगे, विदाउट डैट हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं होने वाला। तो तीनों टेक्स्ट कनेक्शन करेंगे। देन डायनामिक अभी टेक्स कनेक्शन हो गए, देन इसको क्लोज। अभी यहाँ पे हमें तीन राउटर्स ऐड करने हैं। कि आपके अकॉर्डिंगली भी एक अलग से टोपोलॉजी ड्रॉ कर सकते हो, डजन मैटर। बट यहाँ पे हम जो अकॉर्डिंग टू मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेबस, उसका जो मैनुअल हमारे पास अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे टोपोलॉजी ड्रॉ करेंगे। या जैसे कि थ्री राउटर्स कनेक्ट विथ सीरियल कनेक्शन। सो वी एड या सीरियल पोर्ट्स, जैसे कि बाय यूजिंग एन 4T स्लॉट्स। हम 4T स्लॉट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सीरियल कनेक्शन ऐड करेंगे। सिमिलर कॉन्फिगर, ओके। इस कॉन्फिगर सेटिंग को ओपन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट, सिंपल डबल क्लिक ऑन राउटर, और सेकेंड इज अ राइट क्लिक ऑन राउटर, सिलेक्ट अ कॉन्फिगर ऑप्शन, देन राउटर स्लॉट्स। तो उसके थ्रू हम स्लॉट यहाँ पे ऐड कर देंगे। स्लॉट्स ऐड हो गए हमारे, तो उसको कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए जो हमारे पिन के ऐड अ लिंक वाला ऑप्शन होगा, क्लिक लिंक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कि जो ऑलरेडी कनेक्टेड है, सो इट टर्न्स ग्रीन टू अ रेड, सॉरी रेड टू अ ग्रीन। तो कनेक्ट होने के बाद वो ग्रीन, यहाँ पे देखो रेड हो गया, सो ग्रीन हो गया, रेड से ग्रीन कन्वर्ट हो जाएगा। देन अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल इसका जो आईपी एड्रेस है, जो हमने प्रीवियस सेशन में देखा था, उसको किस तरह से ऐड करेंगे। तो प्रीवियस एक आईपी एड्रेस के अंदर ऐड करते हैं। सो सिंपल एज पर मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेबस /24, सॉरी /13। कोई बताएगा कि /30 का मीनिंग क्या होता है? एनी गेसेस, एनी आइडियाज? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज मैं बता देता हूँ। द /13 दसन, जो हम सबनेट मास्क यहाँ पे यूज करने वाले, दैट रिप्रेजेंट द डैश /30। जैसे कि नंबर्स ऑफ बिट्स होते हैं वंस, तो कितने वंस आएंगे इसके अंदर, टोटल 32 बिट का या 32 बिट का हमारा डेटा होता है, इन द सेंस सबनेट मास्क या आईपी एड्रेस होता है। सो उसके अंदर कितने वंस हमें लेने हैं, कितने जीरोस लेने हैं, ओके, अकॉर्डिंगली टू दैट हम देखेंगे। इसका थोड़ा सा नीचे लेते हैं, क्योंकि ऊपर भी हमें इंफॉर्मेशन ऐड करनी है इसके। ओके, आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, इन द सेंस नेटवर्क असाइन कर दिया। आईपी एड्रेस असाइन करते हैं जस्ट लाइक यहाँ पे .5.6, ओके, .5.6 किस तरह से रिप्रेजेंट होंगे, 192.168, 1.5 एंड 1.6। सिमिलर यहाँ पे .70, यहाँ पे .80, ओके, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, ओके, हो गए ऐड। देन अभी यहाँ पे हमें सीरियल कनेक्शन कौन से दिखाई नहीं दे रहे, तो शो इंटरप्राइज हाइड लेबल्स, ये कौन कौन से लेबल्स हम यहाँ पे यूज करने वाले। तो इजी होंगे हमें कॉन्फिगर करने के लिए हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी 1.1, ओके। अभी सीरियल कनेक्शन है,
तो उसकी वजह से हमें क्लॉक मेंशन करना पड़ेगा कि क्लॉक कहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके लिए DCE रिप्रेजेंट करेगा डिजिटल सर्किट इक्विपमेंट। सो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे डिजिटल क्लॉक असाइन करेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम इसको देते हैं लूप बैक एड्रेस LO0, लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस क्या होगा हमारा 10.2.2.1/24। ओके सिमिलर बाकी के इसके लिए भी देते हैं लूप बैक एड्रेस। यहाँ पे देंगे 1 1 एन अगेन फॉर डुप्लीकेट यहाँ पे 3 वाला .3 3। ओके ये लूप बैक एड्रेस भी दे दे। देन अभी इसको थोड़ा सा डिजाइन इसको करते जस्ट लाइक सर्कल कि आपको और अच्छे से करना होगा। तो एक नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है इमेज वाला, इमेज भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जस्ट लाइक PNG इमेज ऐड कर सकते हैं। से कलरफुल सर्कल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन नेक्स्ट इसको इफ ओके एड्स पाथ वेरिएबल हमें यहाँ पे ऐड करना है। सो उस रिगार्डिंगली हमें BGP यूज करना है। सो BGP के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा हमें तीनों जगह पे। ऑटोनोमस सिस्टम AS100 रैंडमली कोई भी नंबर ले सकते हो, बट यहाँ पे हमने जो हमारे प्री डिफाइन है क्या अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी सिलेबस प्री डिफाइन वैल्यूज हमें दी गई है। प्री डिफाइन टोपोलॉजी है, वही टोपोलॉजी हम यहाँ पे असाइन करेंगे। Router 1, Router 2 एंड Router 3 पीछे बैकग्राउंड क्या है। द इंटरनेशनल ट्रेवलर एजेंसी ऑफ ISP हैज बीन असाइन ऑटोनॉमस नंबर ऑफ 300। दिस प्रोवाइड यूजेस BGP टू एक्सचेंज राउटिंग इंफॉर्मेशन विद सेवरल कस्टमर नेटवर्क। ईच कस्टमर नेटवर्क इज असाइन एज अ नंबर फ्रॉम प्राइवेट रेंज सच एज अ 65,000। ओके यहाँ पे जैसे लाइक हम और एक ऐड कर देते नेम, होस्ट का नेम देते द कस्टमर। यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर्स हम देखने वाले। सो नंबर ऑफ कस्टमर को एक स्पेसिफिक असाइन किया जा सकता है 65,000। द कॉन्फिगर द ISP राउटर टू रिमूव द प्राइवेट ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर फ्रॉम AS पाथ ऑफ कस्टमर रिट्रेशन। इन एडिशन टू ISP वुड लाइक टू प्रिवेंट इस कस्टमर नेटवर्क फ्रॉम रिसीव राउटर इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंसी एज एन 100। यूज द AS पाथ टू एट्रीब्यूट टू इम्प्लीमेंट दिस एजेंसी दिस पॉलिसी। ओके यहाँ पे हमें क्या करना है जैसे लाइक ये जो प्राइवेट वाला नेटवर्क होगा, प्राइवेट इन द सेंस एक पर्सन का नाम देते हैं। पर्सन इज अ सन जॉस जो मेंशन किया है या जॉनसन भी बोल सकते यूनिवर्स किया। तो सन जॉस एक प्राइवेट पर्सन है या प्राइवेट एक एजेंसी है जहाँ प्राइवेटली जो एजेंसी को कम्युनिकेट करता है। सो वो जो नेटवर्क लिंक है हमें रिमूव करना है। एंड जो भी कस्टमर हो गए ओके कस्टमर से ही हमें क्या करना है कनेक्टिविटी परफॉर्म करनी। सो प्राइवेट लिंक इन द सेंस 192.168.1.5 वाला लिंक हमें रिमूव करना पड़ेगा। बट बेसिकली हम वो नहीं करेंगे, बेसिकली डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हमारा नेटवर्क क्या होता है किस तरह से एग्जीक्यूट होता है एंड देन हम उसको बाद में रिमूव कर देंगे। सो फर्स्ट इसको साइड में लेते हैं थोड़ा सा, देन एक रन करते क्योंकि रन के बाद एक स्क्रीन डायग्राम आपको विजिबल हो जाएगी। ओके रन करने के बाद क्या होने वाला है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने वाले हैं। सो कंसोल्स जिसको हम कंसोल्स बोलते हैं कि कंसोल्स करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। ये तीनों कंसोल स्टार्ट हो गए विजिबल है।
आपको दिखाई दे रहे होंगे राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, तीनों कंसोल है। तो तीनों को नेम देते हैं होस्ट का। ओके, जस्ट लाइक कि होस्ट नेम, फर्स्ट का होस्ट नेम क्या है? जॉनसन, सन जॉस, फिर उसके देने के लिए आपको कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाना पड़ेगा। देन होस्ट नेम फॉर एन सन जॉस। ओके, देन सेकेंड राउटर का क्या नाम देंगे? जैसे लाइक ISP प्रोवाइडर, तो कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम ISP। देन थर्ड, थर्ड वाला क्या है? कॉन्फ़िग टी टू कॉन्फ़िग टर्मिनल। एंड थर्ड वाले को हम क्या नाम देंगे? कस्टमर। तो होस्ट नेम इज कस्टमर, CUST। ओके, ये तीनों हो गए कॉन्फिगर। देन फॉर एन बेसिक प्रिपरेशन, इसके ऊपर हम स्टार्ट कर देते हैं। होस्ट नेम असाइन कर दिया, अभी नॉर्मल जो आईपी एड्रेस हम असाइन कर देते। सो राउटर 1 से स्टार्ट करते। सो इंटरफेस लूप 0। ओके, लूप 0 के लिए क्या है? आई पी एड्रेस हमने असाइन किया है 10.1.1.1.255.255.255 एंड 25। उसमें जो 24 है तो 8 टाइम्स ही, 24 टाइम्स ही 1 होने वाला है। सो 8 8 8, 24 इन द सेंट 255। ओके, इसको हमें अप कर, सॉरी यहाँ पे सर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, फास्ट लिखे गए तो आईपी एड्रेस असाइन कर दिया हमने, ये आईपी एड्रेस कीवर्ड नहीं था इसके लिए ये रहता, बाकी कुछ नहीं। तो आईपी एड्रेस हो गया। देन इंटरफेस सीरियल कनेक्शन 1/0, इसके अंदर आईपी एड्रेस क्या आने वाला है? 192.168.1.5। ओके, तो देखो कि ये जो सीरियल कनेक्शन है हमारा राउटर 1 किससे कनेक्टेड है? .5। एंड .5 क्या है? किससे कनेक्टेड है, कौन से नेटवर्क में है? 192.168.1.5। सो उस नेटवर्क से हमने लिया। उसका सबनेट मास्क 30, तो 255.255.8.16.24 एंड लास्ट के 4, दैट इज अ 252 के लास्ट के 6, 252। एंड इंटर, आईपी एड्रेस भी असाइन हो गया। देन डी CE, डिजिटल सर्किट इनाम के इक्विपमेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्लॉक रेट यहाँ पे मेंशन करेंगे, क्लॉक रेट 28000। देन बैंडविथ 128। देन नो शट कमांड और अप टू वन नेटवर्क। देन कंट्रोल दैट एग्जिट। खत्म। सिमिलरली जितने भी बाकी के नेटवर्क है, थोड़ा सा फास्ट वे में करते हैं, सो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो कॉन्फिगर इंटरफेस लूप 0, LO0। ओके, LO0 है, लूप 0 शॉर्टकट है। देन उसका आईपी एड्रेस, आईपी एड, आईपी एड्रेस का शॉर्ट फॉर्म, तो 10.2.2.1 225.225.225.0। ओके, देन इंटरफेस आप डायरेक्टली इंटरफेस चेंज कर लो, एग्जिट करके चेंज करो, डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंटरफेस सीरियल 1/0, सेम आईपी एड्रेस 192.168.1.6, सबनेट मास्क 255.255.255.252। ओके, देन बैंडविड्थ, यहाँ पे हम क्लॉक असाइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने DCE असाइन नहीं किया। क्लॉक एक ही साइड पे होता है सर, दोनों इफ सीरियल कनेक्शन होगा तो दोनों में से एक साइड के ऊपर आपका क्लॉक होगा, आपके अकॉर्डिंगली एक साइड पे रख सकते हो एंड दूसरे साइड पे आपको सिर्फ बैंडविड्थ रखना है। देन नो शट डाउन, एग्जिट और डायरेक्ट कंट्रोल जेड कर दो, चलेगा। देन लास्ट वाला राउटर, ओके एक सेकेंड,
एक साइड का हुआ, दूसरे साइड का बाकी है अभी। कॉन्फिग टी राइट ना, कॉन्फिग टी एंड सीरियल 1/1 बाकी था, सॉरी आईपी एड्रेस 172.24.1.16 ठीक है। देन इसका सबनेट सॉरी .16 नेटवर्क है, .70 आईपी एड्रेस है, 255.255.255.252 ठीक है। देन यहाँ पे हमने क्लॉक असाइन किया, तो क्लॉक रेट 128.000, बैंडविड्थ 128, देन नो शट डाउन एक जीप, देन राउटर 3 सेम कॉन्फ़िग टर्मिनल एक्टिव है, इन लूप 0 आईपी एड्रेस 10.3.3.1 255.255.255.0 24 था इसके लिए। सेट इंट सीरियल कनेक्शन 1/1 आईपी एड्रेस 172.24.1.17 स्पेस 255.255.255.252 बैंडविड्थ 128 नो शट कमांड देन एग्जिट। ओके, नॉर्मल हमने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। देन सेकेंड स्टेप हमारे क्या होने वाली है, दैट इज एन असाइनिंग अ प्रोटोकॉल, कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्फिगर अ बीजेपी प्रोटोकॉल। सो अगेन वी गोज टू राउटर 1 फॉर असाइनिंग, एक सिक्वेंस जाते हैं राउटर 1 के ऊपर। सो राउटर 1 कॉन्फिग के फर्स्ट कॉन्फिग टर्मिनल आपको ओपन करना पड़ेगा, कॉन्फिग कॉम्प्टी राउटर बीजेपी, इसका एटोनोमस नंबर क्या है 100, 100 के लिए कॉन्फिगर करेंगे। इसका नेबर नेबर कौन है, ये डॉट सिक्स वाला, ये डॉट सिक्स वाला इसके अंदर इसका नेबर है। तो नेबर 192.168.1.4 सॉरी 1.6, वो नेटवर्क है, सिक्स नेबर है। देन रिमोट एज, अभी यहाँ पे क्या आएगा, उसका जो रिमोटली हमने नेबर दिया है उस नेबर का यहाँ पे एटोनोमस सिस्टम नंबर दैट इज एन 300। देन नेटवर्क, यहाँ पे हम नेटवर्क के अंदर क्या देंगे, हमारा लूपबैक वाला नेटवर्क दैट इज 1/1.0 एंड मास 255.255.255.0 ओके। सिमिलर ये जो तीन कमांड है हमें हमारे बाकी के दो राउटर के ऊपर अप्लाई करनी है। सो राउटर बीजेपी 300, इसके नेबर्स कौन कौन है, यहाँ पे दो नेबर्स है ओके। यहाँ पे देखो 1 फॉर 0.5 की 192.168.1.5 एक नेबर है जो रिमोट एज, ये किससे कनेक्टेड है 100 एटोनोमस सिस्टम, एंड सेकेंड इज एन 172.24.1.80 कि जो किससे कनेक्टेड है वाया रिमोट एक्सेस एटोनोमस सिस्टम 65,000 ओके। दो ऑटोनोमस सिस्टम हो गए। देन नेक्स्ट इज एन नेटवर्क, नेटवर्क कौन सा, यहाँ पे 10.2.2.2.2.0 नेटवर्क है, एंड देन मास दैट इज एन 255 सबनेट मास से .0 ओके। सबनेट मास भी असाइन कर दिया, देन क्लिक ऑन ओके। देन थर्ड राउटर के लिए असाइन करेंगे सेम मेथड से, राउटर बीजेपी
यहाँ पे क्या है 65,000, यहाँ पे एक ही नहीं पड़े, सो एनी जी एच के या फिर नेबल कौन सा है 172 डॉट 24 डॉट 1 डॉट 70, इसका रिमोट एज इक्वल टू क्या है, एक्स का ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर 300 कैन नॉट कॉन्फिगर अ लोकल सिस्टम एज अ नेबर। ओके सॉरी, गलती से हमने आई पी एड्रेस गलत यहाँ पे कर दिया, 70 ले लिया। ओके 70 70, ओके यहाँ पे हमारा एक मिस्टेक हो गया है कि जैसा कि हमने 70 एज अ आई पी एड्रेस यहाँ पे लिया है, सो हमें वो फर्स्ट चेंज करना पड़ेगा। तो एग्जिट, ऐसी गलती होती रहती है थोड़ी पास, वन स्लैश वन नो आई पी एड्रेस 172.24.1.70, पूरा कंप्लीट देना पड़ेगा। जस्ट लाइक ऐड करने के लिए जस्ट लाइक देते हो उसी तरह पूरा, ये आई पी एड्रेस हमने रिमूव कर दिया, देन नेक्स्ट आई पी एड्रेस ऐड करेंगे 172.24.1.80। ओके, गलती से हो सकता है लेकिन उसको हम सॉल्व करेंगे। नो शट डाउन, स्पेस नहीं देना है आपको यहाँ पे, देखते हैं शो आई पी रूट, शो आई पी इंट वी आर। ओके सो 18 हमने चेंज कर दिया, 17 हो गया था गलती से, तो उसको कॉन्फ़िग टर्मिनल राउटर बीजेपी डॉट देन 18, ओके सॉरी गलती से दूसरा वाला कमांड आ गया, नेबल वाला कमांड हमें लेना था, नेबल 17 300। ओके हो गया, देन नेटवर्क 10.3.3.0 मास्क एम एस के 255.255.255.0 मास एड्रेस भी हो गया, फिर एग्जिट। ओके यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सभी सिस्टम के ऊपर आई पी एड्रेस नॉर्मली ऐड कर दिया, देन जो बीजेपी प्रोटोकॉल है वो भी यहाँ पे असाइन कर दिया। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि बीजेपी का जो आईपी प्रोटोकॉल है कि वो असाइन हुआ कि नहीं, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है शो आईपी बीजेपी नेबर। ओके तो नेबर्स यहाँ पे देखो कौन कौन से दिखा रहे, शो आईपी बीजेपी नेबर्स, तो नेबर्स फर्स्ट इज एन 172.24.1.80 जस्ट लाइक ऑटोनॉमस सिस्टम 65,000 का दिखा रहा है। देन सेकेंड आप जब इंटर करोगे और थोड़ा सा डेटा आपको मिल जाएगा, कि बहुत सारी डेटा इसके अंदर होता है, देन एक खत्म होने के बाद तो सेकेंड वाला स्टार्ट करेगा। ओके एक सेकेंड, वन नाइन्टी टू 165 और रिमोट दोनों का दिया कि बीच में उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि 100 कि दोनों भी यहाँ पे कनेक्टेड है। ओके ए होने के बाद हमें पता चल गया दोनों भी कनेक्टेड। अभी नेक्स्ट कि जो हमारा टास्क था दैट इज एन रिमूव द प्राइवेट ऑटोनॉमस सिस्टम, जो 100 वाला जॉनसन का है जो प्राइवेट है तो हमें उसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसके अंदर कौन कौन से रूट है वो चेक करते, शो आई पी रूट के इसके अंदर कौन कौन से रूट से कम्युनिकेट करने के लिए डायरेक्टली कस्टमर को कम्युनिकेट कर सकता है, सो वो हमें नहीं चाहिए, तो कस्टमर के साथ कम्युनिकेट ना करें,
इसके लिए इसको यहाँ से हमें पिंग करके चेक करना है कि ये कस्टमर से कम्युनिकेट कर सकता है क्या. तो नॉर्मल पिंग लाइक 10.3.1.1 ओके, ये कम्युनिकेट करेगा यस और नो. कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये सक्सेसफुली होगा कि नहीं. हम वेट करते हैं 2 मिनट. सो देखते कि कमेंट सेक्शन में ओके इफ कुछ लोगों ने बताया होगा कि सक्सेसफुली होगा सक्सेसफुली नहीं होगा, तो चेक करते हैं. तो ए सक्सेसफुली अगर टाइम ले रहा है इन द सेंस ए सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल ए सोर्स कहाँ से ले रहा है, आपके राउटर का ले रहा है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा सोर्स. तो उसके अकॉर्डिंगली करेंगे. तो नॉर्मल पिंग कमांड, कि पिंग कमांड के अंदर प्रोटोकॉल हमें असाइन नहीं करना, सिर्फ टारगेट असाइन करेंगे. जैसे 10.3.3.1 इंटर 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 ओके. यहाँ पे देन एक्सटेंड कमांड, कमांड को हमने एक्सटेंड किया यस 10.1.1.1 ओके. ये हमारा सोर्स एड्रेस है, इसलिए कि जो हमारा लूप बैक एड्रेस है उससे हम कम्युनिकेट करेंगे टू द कस्टमर. तो यहाँ पे देखो 100% आ गया. इसी कमांड को हम दूसरे वैसे किस तरह से लिखेंगे, देखो पिंग 10.3.3.1 एंड सोर्स 10.1.1.1 कि एक दूसरी मेथड है कि जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. और एक थर्ड मेथड है दैट इज एन पिंग 10.3.3.1 एंड सोर्स. यहाँ पे क्या देंगे हम इंटरफेस जस्ट लाइक लूप बैक जीरो के. ए मेथड भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर अ पिंग मैसेज के. चेक कर दिया हमने क्या किया, चेक कि किस तरह से कम्युनिकेट हो रहा है. सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, शो आईपी बीजेपी कि बीजेपी के कौन कौन से वेज है इसके अंदर कम्युनिकेट करने के लिए. फर्स्ट लूप बैक वन, जो लूप बैक का नेटवर्क है हमें 1/0 2.0 एंड 3.0 थ्री वे से कम्युनिकेट कर रहा है. सो हमें क्या करना है इसके अंदर, जो हमारे राउटर 300 से ओके इन द सेंस बीजेपी 300 से वहां पे हमें ये जो कनेक्शन है प्राइवेट कनेक्शन है, प्राइवेट पर्सन है जो हमारे कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसको रिमूव करना है. सो किस तरह से रिमूव करेंगे, सेकेंड राउटर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे अगेन कॉन्फिग टर्मिनल राउटर राउटर बीजेपी 300 जो सबनेट मास्क है ओके. जिस तरह से ऐड किया उसी तरह से हम रिमूव करेंगे, जैसे लाइक नेबर 192.168.1.5 जो नेबर था हमारा उसको रिमूव करना है. तो रिमूव प्राइवेट एज के रिमूव हो गया. सो अगेन उसको चेक करेंगे कि फर्स्ट जो हिस्ट्री था उसका क्लियर करते, क्लियर आईपी स्टार सॉरी आईपी बीजेपी है ना, आईपी बीजेपी स्टार के. एक कमांड क्यों यूज करते, दिस कमांड इज यूज टू एक्स्टैब्लिश द बीजेपी रिलेशन बिटवीन अ थ्री राउटर, कि जो भी थ्री राउटर के अंदर कनेक्शन हुआ है उसको फिर से रीस्टैब्लिश करने के लिए हम एक कमांड यहाँ पे यूज कर रहे हैं. सो फिर से हम जाएंगे जॉनसन के पास, जॉनसन से फिर से पिंग कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे इस बार ओके. फिर से वो क्या हो रहा है, 100% कम्युनिकेट हो रहा है हमारे राउटर के साथ. तो अगेन देखते हैं यहाँ पे शो आईपी बीजेपी ओके. यहाँ पे देखो कि वो क्या है, कि क्या मैसेज दोनों में से डिफरेंट है ओके. यहाँ पे देखो 6500 आपको अलग से आ रहा था कि जो प्राइवेट पाथ है, बट सेम इसमें क्या हो रहा है, अभी एक ही है. सेकेंड वाला जो 600 500 जो था कस्टमर का, वो कस्टमर का प्राइवेट वाला इसके अंदर नहीं आ रहा, डायरेक्टली क्या कर रहा है इसके साथ कम्युनिकेट हो रहा है.
तो ये इसके अंदर चेंजेस आपको दिखाई देखेंगे कि 6500 था यहाँ पे प्रीवियस जो हमने कमांड देखा था उसके अंदर, बट यहाँ पे वो 6500 नहीं है। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे आईएसपी प्रोवाइडर के अंदर जो एड्स पाथ एट्रीब्यूट है वो कमांड यहाँ पे ऐड करते हैं। तो उसके लिए क्या हमें करना पड़ेगा, सिंपल कॉन्फिग टर्मिनल कॉन्फिग टी आईपी एड्स पाथ एक्सेस डैश लिस्ट, सॉरी एक्सेस लिस्ट वन डिनाई 100 डॉलर। ओके, और एक कमांड है आई पी एज अ पाथ एक्सेस डैश लिस्ट वन इज परमिट। के सिमिलर उसको हमने डिनाई भी किया और परमिट भी किया कि दिस कॉन्फ़िगरेशन, ओके सॉरी एक कराया गया परमिट डॉट स्टार इनकम्प्लीट था, कंप्लीट कर दिया। ओके, दिस कॉन्फ़िगरेशन अ स्पेशल काइंड ऑफ एक्सेस लिस्ट टू मैच अ बीजेपी राउटर विद अ एज पाथ एट्रीब्यूट दैट बोथ बीइंग द एंड ऑफ विद अ नंबर 100, कि दोनों भी एंड के लिए 100 से हम 100 पाथ यूज करने वाले एट अ बोथ साइड। जैसे कि 6500 के पास भी हम 100 यूज करेंगे एज एटोनोमस सिस्टम, एंड जो हमारा जॉनसन है उसके पास भी 6500 हम यूज करेंगे। नेक्स्ट अभी क्या करना है हमें, जो अभी हमने आईपी आईपी एज अ पाथ कॉन्फिगर किया उसको हमारे राउटर के साथ कॉन्फिगर करना है। सो राउटर बीजेपी के साथ कॉन्फिगर करने के लिए राउटर बीजेपी 300 देन नेबर नेबर कौन के किसके साथ 6500 को हमें कन्वर्ट करना है एज अ 100 के फॉर्म में, तो 172.24.1.80। देन नेक्स्ट फिल्टर डैश लिस्ट वन डॉट आउट। ओके, देन फिर से इसको री एस्टेब्लिश कनेक्शन करते, तो उसके लिए क्या है, क्लियर आई पी बीजेपी स्टार कनेक्शन री एस्टेब्लिश हो जाएगा। देन नेक्स्ट शो आई पी रूट। ओके, इसके अंदर देखो कि 10.1.1.0 ये किसके साथ कनेक्टेड है, वाया 192.165.1। ओके, कि नेक्स्ट जो प्रीवियस वाला था उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। कि प्रीवियस वाला शायद से नहीं है, सो देख कुछ प्रॉब्लम नहीं, यही नॉर्मल है। सो नेक्स्ट और एक शो का कमांड है हमारे पास, दैट इज शो आई पी बीजेपी आर ई जी ई एक्स पी। ओके, दिस इज अ यूज फॉर एंड वेरीफाइंग अ वर्किंग ऑफ एक्सटेंड, कुछ इश्यू होगा तो उससे हम देख सकते हैं एक्स पी देन द 100 डॉलर। ओके, द आउटपुट ऑफ दिस कमांड शो ऑल द मैचेस ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन दैट वेयर यूज टू एक्सेस द लिस्ट, कि जो हमारे एक्सेस लिस्ट होगी कि उसके कौन कौन फॉलो करता है वो हमें दिखाई देगा। जैसे कि जो 100 पाथ होगा हमारा, 100 एटोनोमस सिस्टम होगा उसको कौन कौन फॉलो करता है हम इसके अंदर देख सकते हैं। देन लास्ट इज एन टी सी एल शेल। ओके, टी सी एल शेल के अंदर हम क्या करेंगे, फॉर ईच कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, ट्राई करते कि विदाउट कमांड विदाउट नोट पैड होता है क्या, अदरवाइज हमें नोट पैड ही यूज करना पड़ेगा। ओके, हो रहा है 10.1.1.1।
सेकेंड किसके साथ करना है, 10.2.2.1, कि हम इसके अंदर एज पॉसिबल है जितनी आईपी एड्रेस असाइन किए सभी के सभी इसके अंदर हम ऐड करेंगे। एंड लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हम कंपेयर करेंगे, सॉरी लास्ट में हम पिंग मैसेज करेंगे जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि सबके साथ कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं, कि 192.168.1.6 172.24.1.17 and 172.24.1.18। ओके, यहाँ पे आपने सभी आईपी एड्रेस ऐड कर दिए, देन पिंग एड्रेस कर ली बेसिस क्लोज इंटर। कुछ तो एरर है ऐसे, ये कैपिटल में लिया इसके वजह से इश्यू हो सकता है। नॉर्मल हम क्या करते हैं, इसको नोटपैड में कॉपी पेस्ट करते हैं, सो हमारा टाइम सेव हो जाएगा कि हमने कमांड की है इसको नोटपैड, इसको स्मॉल में करते, केस सेंसिटिव भी हो सकता है मे बी, फॉर ईच जितने कैपिटल किए थे सब स्मॉल में करते हैं। पिंग एड्रेस सिंपल से वही कमांड हम यहाँ पे करेंगे बट डायरेक्टली करेंगे, अभी कॉपी देन यहाँ पे TCL शेल ओपन करना पड़ेगा, TCL शेल। ओके, इस सभी कमांड हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिए, तो हर एक के लिए मैन्युअली भी आप वन बाय वन पिंग कमांड कर सकते हैं, बट यहाँ पे के टाइम सेव करने के लिए हम डायरेक्टली पिंग वाया TCL शेल एग्जीक्यूट करेंगे। दिस इज योर आउटपुट, ये आपका आउटपुट होना चाहिए कि जितने भी नंबर्स ऑफ कनेक्शन है किस तरह से सक्सेसफुली वर्क हो रहे हैं, यही आपको फाइनल आउटपुट दिखाना है। कि कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ये अदरवाइज गो थ्रू करो। एक PDF की लिंक भी होगी इसके साथ, जैसे कि इसका जो मैन्यूअल है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड सिमिलर जो प्रीवियस प्रैक्टिकल सेशन हुए थे उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड सिमिलर टाइप्स के वीडियोज के लिए या सिमिलर प्रैक्टिकल सेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।